नमस्ते, मैं उषा नाहर। अभी ये दही वड़ा और दही भल्ला इसको बनाने जा रही हूँ। ये उड़द की दाल है, इसको मैं 4 आवर्स पानी में सोक किया हुआ है, पानी निकाल दिया है। अभी इसको हम मिक्सी में पीसने जा रहे हैं। देखिए, इसको मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर दिया है। एक सख्ती चाहिए, इसमें पानी नहीं डालना है। मिक्सर में डालते हैं तो भी थोड़ा नहीं घूमता, तो थोड़ा डाल सकते हो, लेकिन ये कंसिस्टेंसी ऐसे ही चाहिए, तो अपना वड़ा एकदम बरोबर शेप में बैठेगा। अभी हम उड़द की दाल का जो वड़ा बनाने जा रहे हैं ना, उसमें मैं ये थोड़ी काली मिर्ची है, एक दो हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, आधा टेबल स्पून जीरा और एक चिटकी सोडा है जो इडली में डालने वाला, और आधा टेबल स्पून नमक है। मैं इसमें ये तीन ये सब चीज़ें डालती हूँ। लेकिन आपको ये काली मिर्ची और मिर्ची नहीं चाहिए तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन नमक और ये सोडा तो डाले तो बहुत अच्छा बनता है। इसमें अब हम जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें डालेंगे। इसमें क्या है, नमक पहले ही सब में नहीं डालना है, नहीं तो पानी छूटता है। अपने पूरा एक साथ बनाना है तो आप नमक एक साथ ही डाल सकते हो, नहीं तो इसको आधा बनाना है तो आप थोड़ा सा ही नमक डाल के बनाइए, तो इसका वो वड़ा का शेप अच्छा बनता है, नहीं तो पूरा लिक्विड लिक्विड हो जाता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से फेंटना चाहिए, तब वड़ा बहुत अच्छा बनता है। मैंने गैस ऑन कर दिया है, उसके ऊपर तेल रखा है। जब हम मिक्स करते हैं तभी तेल रखने से थोड़ा टाइम आपका सेव होता है। इसमें देखिए देखिए तेल अभी गर्म हो गया है। तेल गर्म होने का एक निशान ये है कि वो जो अपने गोल डालते हैं ना, वो ऊपर आता है, तो इसका मतलब तेल गर्म हो गया। अभी इसको इसे हथेली पे थोड़ा एक बाउल में पानी लेना है, ऐसे इसको थोड़ा सा और इसके ऊपर थोड़ा ऐसे पानी डाल के ऐसे गोल करना है, फिर इस बाजू ऐसे लेके इसको तेल में डालना है। कितना जिन्हें कोई वड़ा नहीं बैठता है ऐसे गोल खड्डा बनाने के लिए, वो ऐसे ऐसे थोड़ा पानी ऐसे पानी थोड़ा हाथ में लगाइए और इसको ऐसे गोल भी बना दीजिए। इसको अभी अपना पलटना है, ये गोल्डन ब्राउन होता है तब इसको बाहर निकालिए। उड़द का दाल का वड़ा रेडी है। इसको सांभर के साथ और चटनी के साथ खा सकते हैं। जो हमने अभी उड़द का दाल का वड़ा निकाला ना, उसको एकदम गर्म पानी में भिगोना चाहिए। ये बाउल में मैंने एकदम गर्म पानी लिया था, उसमें वड़ा भिगोया हुआ है। इसको 15-20 मिनट ऐसे ही रखना है, साफ होने के बाद इसको पानी से निकालना है। अभी इस पानी गर्म पानी में मैं वड़ा भिगोया था ना दही वड़े के लिए, इसको अब हम ऐसे दबा के पानी निकालना है। एकदम नरम हो जाता है, सॉफ्ट। इससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ऑयल रहता है वो भी पानी में निकल जाता है। ये वड़े जो पानी में भिगोए थे वो देखो हमने निकाल दिए हैं। इसके लिए दही वड़ा को प्लेट में डालने के लिए अपने को ये इंग्रेडिएंट चाहिए। दही, ये दही पतला रहे तो आप कपड़े में बांध के हैंग कर दीजिए, हैंग कर। थोड़ा अच्छा ही रहे तो आप इसको ऐसे ही पानी डाल के थोड़ा पतला कर दीजिए। ये इमली की चटनी, खट्टी मीठी इमली चटनी, मैंने इसको लोड किया हुआ है मेरे चैनल में। इसको आप चाहिए तो
डाल सकते हैं, नहीं चाहिए तो भी कोई बात नहीं। ये मिर्ची है, ये पिसा हुआ जीरा है, नमक है। ये मेरे पानी पूरी की चटनी मेरे वीडियो में अपलोड किया हुआ है, ये आप चाहिए तो डाल सकते हैं, लेकिन ये दोनों भी डालते हैं तो बहुत टेस्टी बनता है। अभी हम इस दही वड़ा को प्लेट में डाल के कैसे देना है वो देखिए। ये मैंने दही लिया हुआ है, इसको दही को ऐसे फैलाइए। आप दही अच्छा ज्यादा लगे तो ज्यादा डालिए, जितना आपको चाहिए उतना आप ले सकते हैं। इसमें अभी मैं ये जीरा पाउडर डाल रही हूँ, ये लाल मिर्ची, जैसे आपको कितना तीखा चाहिए कैसा चाहिए इसके हिसाब से आप डालिए, और ये नमक। अभी आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, और थोड़ा अरोमा और थोड़ा टेस्ट चाहिए तो मैंने जो पानी पूरी चटनी मैं आपको बताया था मेरे लास्ट वीडियो में, उसको आप ऐसे थोड़ा सा पानी मिला के ऐसे आप इसके साथ भी खा सकते हैं। और इमली का एक खट्टा मीठा चटनी भी इतना ही, इसको भी आप चाहिए तो इच्छा रहे तो खाइए। और यही चटनी भी मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। ये अपने दही वड़े और दही भल्ला भी बोलते हैं, ये रेडी है, आप खाइए एंजॉय कीजिए। आप सुबह दही वड़ा निकालेंगे तब उसको सांभर और चटनी के साथ खा सकते हैं। उसके बाद मैंने जो पानी में भिगोने का बोला ऐसे भिगो के आप उसका दही वड़ा भी बना सकते हैं, और इसको आप खा सकते हैं लंच में। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।